यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो अभी हमारी ये ऑटोमेटिक लड़िया बन रही है। अगर आपको सिंगल पैकिंग चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा सिंगल पैकिंग कैसे बनता है। अभी हमारी ये लड़ी बन रही है आपका। मशीन में तो बेनिफिट हमारा ये है कि ये फुल न्यूमेटिक मशीन होती है। यहाँ पर आप सिलेंडर देखो ये भी मूव करता है और यहाँ पर सिलेंडर ये भी मूव करता है। दोनों सिलेंडर की वजह से हमारा पीछे का पाउच प्रॉपर सील होता है और यहाँ पर पाउच सील होता है। हॉरिजॉन्टल सीलिंग है और इसके पीछे की जो आपकी बैक साइड की वर्टिकल सीलिंग है दोनों ही आपके न्यूमेटिक ऑपरेटेड होती है, जिसकी वजह से हमारा पाउच लीक नहीं होता। एक बार मैं आपको पाउच पे चढ़ के भी दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारी मशीन के पाउच की मजबूती होती है। ये देखिए पाउच फट सकता है लेकिन लीक नहीं हो सकता दोस्तों। वो हमारी मशीन क्या है, फुल न्यूमेटिक है, जिसकी वजह से एयर लीक नहीं होती। तो एयर लीक होने की हमारी पूरी की पूरी गारंटी होती है दोस्तों। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदुस्तान फोर्ड मशीनरी में। तो दोस्तों काफी दिनों के बाद फिर से लेकर आई हूँ आपके सामने हमारी फुल न्यूमेटिक पाउच पैकेजिंग मशीन। काफी वीडियो में मैंने ऑलरेडी अपनी मशीनों के बारे में जानकारी दी हुई है, लेकिन जो लोग नए हैं या कोई स्टूडेंट है जो बेरोजगार है, जो अपना कुछ खुद का कुछ कारोबार करना चाहते हैं, तो उनके लिए मशीन काफी फायदेमंद होने वाली है। मैंने काफी वीडियो में ऑलरेडी दिखाया है, लेकिन आज उन लोगों के लिए नया फिर से कॉन्सेप्ट दिखाने वाला हूँ। आप जो ये मशीन देख पा रहे हो इसको बोलते हैं फुल न्यूमेटिक पाउच पैकिंग मशीन। इस एक मशीन की मदद से आप डेली के 4 से 5 हजार के मिनिमम और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दोस्तों, वो आपकी सेल के ऊपर डिपेंड है। हो सकता है आप डेली का 10 हजार कमाओ, 20 हजार कमाओ या 1 लाख तक भी पहुंचता हो, लेकिन स्टार्टिंग जो होती है वो 4-5 हजार पे आराम से कमा सकते हो आप डेली के। क्योंकि इस मशीन में आप जैसे अभी कुरकुरे का पैकेट लग रहा है आप कुरकुरे भी पैक कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप नमकीन सारे जितने भी आते हैं जैसे पंजाबी तड़का, आलू भुजिया, गाठिया, पापड़ी, नवरत्न, मिसेन, इसके अलावा आपका पोटैटो चिप्स होती है या बच्चों की जितने भी आइटम होते हैं जैसे पास्ता, कटोरी, चाउमीन, एबीसीडी वगैरह, एक ही मशीन मल्टीपर्पज है आपका दोस्तों। इसके अलावा जैसे चाय की पत्ती है, अभी सर्दियों का सीजन है तो चाय की पत्ती की काफी अच्छी खासी डिमांड चली है दोस्तों। और इसके अलावा आपके मसाले जितने भी मसाले होते हैं, मसाले सदाबहार होते हैं, साल टू साल चलने वाले कॉन्ट्रैक्ट होता है मसालों का। तो इस मशीन में अपना केवल जो भी आपको पैक करना है रोल लगा दीजिए और इसके पीछे हॉपर में माल भर दीजिए। ये अपने आप कप के द्वारा उसका वजन करेगी और वजन करने के बाद जितने का आपको लड़ी चाहिए, अगर आपको 10 का या 12 का लड़ी चाहिए तो ऑटोमेटिक लड़ी बनाती है। अगर आपको सिंगल पैकेट चाहिए सिंगल बनाएगी। बहुत से पैकेट में आप देखते हैं जैसे कुरकुरे वगैरह स्नैक्स आइटम में हवा आती है तो ये हवा भरने का कॉन्सेप्ट ही करती है। और कुछ आइटम जैसे विदाउट एयर के आते हैं जैसे मसाले वगैरह, चाय की पत्ती वगैरह, तो ये बिना हवा वाला प्रोडक्ट भी पैक करते हैं। उन्हीं में से मैं आज कुछ सैंपल आपको पैक करके दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये बच्चों के खाने पीने के 5 आइटम होते हैं, तो एक बार मैं आपको ये पैक करके दिखाऊंगा कैसे मशीन हमारा वर्क करती है दोस्तों। तो यहाँ पर अभी आपको कुछ माल पैक करके दिखाऊंगा, तो इसको सिर्फ इस मशीन के हॉपर में आपको डालना है दोस्तों, डाल के दिखाइए। डालने के बाद ये मशीन का वाइब्रेटर होता है, इसको चालू करते ही हमारा वाइब्रेटर सिस्टम चालू हो गया और यहाँ से आप देखोगे ऑटोमेटिक माल आना शुरू हो गया है। अब ये माल यहाँ के बाद हमारा जितने ग्राम आपको पैक करना है, यहाँ पर एक कप लगे होते हैं, इन कपों के अंदर जाएगा और सीधा हमारे पैकेट के अंदर आना शुरू हो जाएगा। दोस्तों देख सकते हो अभी हमारी ये ऑटोमेटिक लड़िया बन रही है। अगर आपको सिंगल पैकिंग चाहिए तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा सिंगल पैकिंग कैसे बनता है। अभी हमारी ये लड़ी बन रही है आपका। मशीन में तो बेनिफिट हमारा ये है कि ये फुल न्यूमेटिक मशीन होती है। यहाँ पर आप सिलेंडर देखो ये भी मूव करता है और यहाँ पर सिलेंडर ये भी मूव करता है। दोनों सिलेंडर की वजह से हमारा पीछे का पाउच प्रॉपर सील होता है और यहाँ पर पाउच सील होता है। ये आप देख सकते हो दोस्तों हमारी ऑटोमेटिक लड़ी बन रही है। इसी तरीके से अभी जैसे 12 की लड़ी बनी है, आपको सिंगल पर लड़ी बनानी है तो सिंगल भी बना सकते हो। इसके अंदर जो माल है वो भी आपको खोल के दिखा देता हूँ। जो हमने माल भरा है वो इसके अंदर इस तरीके से आ गया। तो आप भी इसमें अपना कुछ भी, चाहे कुरकुरे हो, चाहे दाल हो, चाहे नमकीन हो, चाहे मसाले हो, कुछ भी पैक करके मार्केट में सप्लाई कर सकते हो। 50-60 पैसे एक और आराम से मिल जाती है। और मशीन की थोड़ा सा की बात करें तो एक दिन में आपका ये मिनिमम 15,000 पाउंड तो आराम से बना देती है। अगर 50 पैसे का मार्जिन दे तो 7,500 रुपये आपका डेली का मार्जिन निकल के आता है दोस्तों।
तो जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा है किस तरीके से हमारी मशीन के द्वारा ऑटोमेटिक आपके प्रोडक्ट पैक हुए हैं। तो जो भी कोई अपना बिजनेस करना चाहता है इस तरीके से एक सिंपल पाउच पैकिंग मशीन लगा सकता है। और ये देख सकते हो इसका साइज 3 फीट बाय 3 फीट का इसका साइज है। आप किसी भी 10 बाय 10 के रूम में इसको लगा सकते हैं और हाइट इसकी 7.5 फीट मैक्सिमम होती है। घर की बिजली पे आप इसको चला सकते हैं। जो नॉर्मल घर की 2 किलोवाट का लोड होता है उसी पे ये मशीनें काम करना शुरू कर देती है दोस्तों। अब आपके मन में आ रहा था मशीनें तो बाकी कंपनी वाले बेचते हैं तो आपकी मशीन में ऐसी क्या खासियत है जो आप 1.5 लाख रुपए की मशीन देखते हो। तो दोस्तों सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो हमारा ये कि हमारी जो इसकी कवरिंग है पूरी स्टेनलेस स्टील है। बहुत सी कंपनियां क्या करती है वो लोहे की कंपनी यानी कि लोहे की परत चढ़ा देती है तो उनकी कॉस्टिंग वहां पे कम हो जाती है दोस्तों। दूसरा जैसे हमारा ये पूरा पार्ट बना हुआ है इसका डबल सिलेंडर वाली असेंबली का वो सिंगल सिलेंडर के साथ में अपना पार्ट लगा देता हूँ उनकी कॉस्टिंग वहां पे कम मिल जाती है। तीसरा उनकी जो मशीन की हाइट है वो करीब 6 फीट रहती है तो उनके वहां पर भी कॉस्टिंग कम हो जाती है। चौथा जितने भी पार्ट्स हमारे लगते हैं जेनेटिक्स के सिलेंडर है वो लोकल ब्रांड के लगाते हैं तो वहां पर उनकी कॉस्टिंग कम की जाती है और हमारी कॉस्टिंग ज्यादा आती है। और इसके अलावा हमारी पूरी मशीन का अगर आप वजन करोगे तो 250 से 300 किलो के बीच में हमारा मशीन का वजन रहता है जबकि बाकी कंपनियों का मैक्सिमम 150 के ही वजन रहता है तो वहां पर भी उनकी कॉस्टिंग कम रहती है। इस वजह से हमारी मशीन 1,50,000 रुपये की होती है दोस्तों और 10,000 रुपये का रहता है ये वाइब्रेटर सिस्टम इसमें यानी कि वाइब्रेटर सिस्टम और 1.5 लाख की मशीन मिला के 1,60,000 रुपये का पूरा सिस्टम रहेगा जिसमें SST कवरिंग रहेगी आपका हॉपर वाइब्रेटर के साथ आपका स्टील का रहना है और जिस सारे पार्ट्स ब्रांडेड होंगे मोटर हैवल्स की वारंटी आपको क्रम्पटन की चाहिए तो ब्रांडेड आपको मोटर मिलने वाली है। तो सारे के सारे पार्ट जेनेटिक्स के होते हैं। इसके अलावा आपको एक बार मशीन आके देखनी हो तो हमारे पास आकर के सारा कुछ देख सकते हो समझ सकते हो दोस्तों। मिलता है किसी नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अलविदा।